हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके का हैशटैग पार्ट 14। इससे पहले मैंने 13 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, जो कि जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने हैशटैग पार्ट का 1000 क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की थी, वो कम्प्लीट हो चुकी है। तो अभी भी मैंने इसके पार्ट कंटिन्यू कर रखे हैं। अगर आप ये कंटिन्यू चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कि ये पार्ट आपके लिए हेल्पफुल है और मैं इन्हें कंटिन्यू रखूँ, ठीक है। और अगर आपको सेपरेटली वीडियो चाहिए किसी भी सब्जेक्ट पे, जैसे हिस्ट्री पे अलग से वीडियो चाहिए, तो मुझे भी कमेंट बॉक्स में वो करके बताएं, क्योंकि हिस्ट्री का पोर्शन होता है कि अपने आप ज़्यादा पढ़ना होता है और इससे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाती है। अगर आप घर पे पढ़ रहे हैं तो इससे आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल पे हैं। तो ये पार्ट ज़रूर देखा करें। मॉर्निंग में 8 बजे रोज़ ये वीडियो एक अपलोड होती है, तो प्लीज़ हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें। जितना हो सके आप शेयर ज़रूर किया करें। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? 324। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सचिव वित्त मंत्रालय के। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी होती है? 6 माह। ऋतु सहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? कालिदास की। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? 19% पर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? नैनीताल के पास उत्तराखंड में। बर्डी ईगल बोगी पार टी होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? राजस्थान में। गुलाम वंश का कौन सा शासक चोगान या फिर पोलो जिसको बोलते हैं खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक। गीत गोविंद किसने लिखी? जयदेव ने। खुजराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? चंदेल। चंदेल के राजाओं ने बनाए थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? 1336 में हरिहर और बुक्का ने। घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? भरतपुर राजस्थान में। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण गुजरात में। नेक्स्ट आपका है, मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? एडोल्फ हिटलर की। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की। ये आपका बहुत बार पूछा जा चुका है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? 1025 ईस्वी में। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। कौन सा अभ्यारण एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा असम में जो है, काजीरंगा जो अभ्यारण है असम में है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा अभ्यारण प्रसिद्ध है या फिर कौन सा अभ्यारण है, वो काजीरंगा है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? प्लेटो ने।
तैमूरलंग ने दिल्ली को कब लूटा 1398 में। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया 1928 के एम्स्टर्डम होलैंड जो होलैंड में है को ओलंपिक में शामिल किया गया था 1928 में। शेर शाह सूरी को कहां दफनाया गया था सासाराम बिहार में। न्यूटन की खोज किसने की जेम्स चैडविक ने। कल मैंने आपसे पूछा था मतलब बताया था प्रोटॉन की खोज किसने की थी, अगर आपके याद है वो कमेंट बॉक्स में मुझे अभी कमेंट करके बताएं, क्योंकि अगर मैंने कल बताया था आज आपके याद होना चाहिए। प्रोटॉन की खोज किसने की थी ये कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, भारी पानी और ग्रेफाइट का। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई 1948 में, यह भी कई बार पूछा जाता है। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, सरोद बजाते हैं सॉरी। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, जोंग या गरसोप्पा जो सरस्वती नदी पर कर्नाटक में है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है, 385,000 किलोमीटर। ये भी आपका कई बार पूछ लिया जाता है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, वेटिकन सिटी। ये बड़ा मतलब अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। भारत में सोने की खान कहाँ है, कोलार कर्नाटक में। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है, 12 अनुसूची है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, 1.3 सेकंड। पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है, हीरा के लिए। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है, मिस्र। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया, अटल बिहारी वाजपेयी ने। घाना देश का पुराना नाम क्या है, गोल्ड कोस्ट। घाना देश को पहले गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य से है, तबला से। अमेरिका की खोज किसने की, अमेरिका की खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, तो ये 1896 में अधिवेशन हुआ था उसमें गाया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। वायुयान की खोज किसने की, ओलिवर और विलिवर राइट बंधु ने। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, दक्षिण अफ्रीका के थे ये। सात पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है, रोम को सात पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया, 22 मार्च 1957 में। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि शक संवत से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है।
रेडियम की खोज किसने की? पियरे और मैरी क्यूरी ने। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं हम तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आ जाती है। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? शनि। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक, जो SBI है हमारे देश का बैंक। इसकी सबसे ज़्यादा शाखाएं हैं पूरे वर्ल्ड में, SBI, तो इसकी सबसे ज़्यादा शाखाएं हैं पूरे वर्ल्ड में। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में था इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपने प्रीवियस पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो अभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके सभी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी हैशटैग पार्ट के नाम से, हैशटैग UP पुलिस GK पार्ट के नाम से, तो आप सभी वीडियो देख सकते हैं। और जो यहाँ पे आपको एक दो वीडियो दिख रही है, आप ये भी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मैथ की भी सारी वीडियो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। अगर आप इन सभी वीडियो का PDF चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और प्लस आप टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन कर लें, जो कि वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, ताकि PDF मैं वहाँ पर सेंड कर दूँ और आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।